इस समय के सबसे बड़ी खबर आपको दे दे। देश भर में लॉकडाउन 4 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि ये कौन कौन से रियायतें होगी जो आम आदमी को मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया था कि जान भी और जहान भी, इसके रहते हुए भी देश कैसे आगे बढ़ेगा इसे भी ध्यान में रखना है। लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जारी हुआ देश, विस्तार से जानिए क्या है केंद्र सरकार के गाइडलाइंस। दिल्ली कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने आज चौथी बार बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। रविवार को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। देखिए, लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि क्या सब खुलेंगे और क्या बंद रहेंगे। नंबर 1, सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट पर 31 मई तक की रोक लगी रहेगी, यानी हवाई जहाज का परिचालन नहीं होगा। नंबर 2, देश के किसी शहर में मेट्रो ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। नंबर 3, स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक नहीं रहेगी। नंबर 4, सभी होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सरकार की अनुमति लेकर रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क 31 मई तक बंद रहेंगे। देश के सभी धार्मिक स्थल यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बंद रहेंगे। पूरे देश में किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या दूसरे तरह के सामूहिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरे इलाके में इन गतिविधियों को चालू करने का इजाजत दिया है। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और दूसरे पैसेंजर गाड़ियों के परिचालन का फैसला ले सकती है। सभी राज्यों को वाहनों के परिचालन में केंद्र के नियम का पालन करना होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर दूसरे एहतियात बरतने होंगे। अब 3 के बजाय 5 जोन में बांटे जाएंगे इलाके, कंटेनमेंट जोन में ज्यादा सख्ती होगी। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर पूरे देश को पहले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा था, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक देश को 5 जोन में बांटा जाएगा। बफर कंटेनमेंट रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन होंगे। देखिए क्या है इन जोन को लेकर केंद्र सरकार का निर्देश। नंबर 1, ग्रीन जोन घोषित करने का जिम्मा अभी भी केंद्र सरकार के पास होगा। कोई राज्य सरकार खुद से ग्रीन जोन को घोषित नहीं कर सकेगी। बफर कंटेनमेंट रेड और ऑरेंज जोन घोषित करने का जिम्मा जिला प्रशासन का होगा। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक इन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन से ज्यादा सख्ती जारी करने का निर्देश दिया है। इस जोन में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा होगा। कंटेनमेंट जोन से संघन तरीके से जांच अभियान चलेगा। सरकार हर घर तक पहुंच लोगों की जांच करेगी। देश भर में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्देश। केंद्र सरकार ने शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। इस 12 घंटे के अंदर सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों और लोगों की आवाजाही की अनुमति होगी। राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को रात्रि कर्फ्यू से लेकर धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारों को और सख्ती बरतने की मिली छूट। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि वे अपने राज्य के हालात को देखते हुए और सख्ती बरत सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से ज़्यादा छूट देने का अधिकार किसी राज्य को नहीं दिया गया है।
मैं एक बार फिर से अनुरोध करती हूँ कि अपने देश के हित के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय जगत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।